चलो बच्चों, सो वी वर डूइंग वेव्स. तो अभी तक टिल नाउ सो फार वी हैव सीन थ्री काइंड ऑफ वेव्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव्स. बराबर है? तो अभी तुम्हें डिफरेंस पता चल गया. मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं रहती इसको, और मैटर वेव्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स में बनाते हैं एंड ऑल, करेक्ट? तो उस टाइप की वेव्स को मैटर वेव्स बोलते हैं. फिर मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, लॉन्गिट्यूडनल इन द डायरेक्शन. ये क्रेस्ट यहाँ पे ट्रफ, दे कैन प्रोपोगेट ऑन द सर्फेस, ये हमने देखा था. फिर हमने ऑसिलेटरी मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन देखा. और फिर बेसिकली हमने वेव की इक्वेशन देखी, जो कि पहली तो चीज है तुम्हें समझना है, दो वेरिएबल की इक्वेशन है. इट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड at what time you are observing that amplitude of the wave, correct? तो ये दो variable के equation है x और t का, correct? तो जो amplitude होगा wave का वो it will be given by omega t minus kx. omega क्या होता है यहाँ पे, omega is angular velocity, मालूम है तुम्हें, 2 pi by t. और k क्या है यहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया था k is another, k को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, के को क्या बोलते हैं, बताया था कि ना वेव नंबर बोलते हैं के को. के इज नोन एज वेव नंबर विच इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा. जस्ट लाइक ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, के इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा. ओके, इलास्टिसिटी के बीच में डाउट्स आ गए थे आपके, यस. उसके बाद फिर हमने कुछ टर्म्स देखे रिलेटेड टू वेव मोशन, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? ओके. फिर हमने यहां पर देखा वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी क्या होता है, यस बच्चों, वेव वेलोसिटी क्या होता है, किस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस प्रोपगेट हो रहा है. फिर हमने फेज और फेज डिफरेंस देखा था, इसको काफी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, करेक्ट? काफी डिटेल में इसकी, इस पर हमने डिस्कशन किया था. जैसे फेज क्या होता है, फेज तो ये होता है, अब कोई भी दो पॉइंट्स है उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन कितना है. जैसे अभी अगर तुम ये वाला पॉइंट लेते हो और ये वाला पॉइंट लेते हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेते हो, लेट्स से, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, दिस मेक्स इट पाई. ओके, सो दिस इज फेज डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस इज वॉट, और यहाँ पे मैंने जस्ट मेक अ करेक्शन ओवर हियर, दिस शुड बी टी कैपिटल टी, ठीक है? तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हो, क्या फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है? आगे आपको यूज होगा. तो अगर मान लो तुम्हें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो जैसे मान लो अभी तुम्हें पता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, करेक्ट? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, कितना है बच्चों फेज डिफरेंस, कौन बताएगा? What is phase difference between this point and this point? कितना है phase difference? Yes, रुद्राक्ष बताओ जल्दी से कितना आएगा phase difference इस वाले point की? 2 pi. 2 pi आएगा. तो यहाँ पे ये जो हो गया हमारा delta x की जो value होगी वो 2 pi के बराबर हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे phase difference कितना हुआ? 2 pi. I'm sorry. Delta x is equal to lambda actually. यहाँ पे जो delta x है वो लैम्डा हो जाएगा, करेक्ट? तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स अगेन लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, कितना बचा? 2 पाई बच गया. अब अगर मान लो हम इसको इसका आधा लेते हैं, ये हो गया लैम्डा बाय 2. तो जब तुम यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा बाय 2 कर देते हो, सॉरी नॉट इधर, इधर तो 2 पाई बाय लैम्डा ही आएगा ना, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2 कर दो, कितना आ गया इसके इसके बीच में? पाई आ गया, करेक्ट? तो ऐसे तुम यहाँ पे या तो पाथ डिफरेंस रख दो या तो टाइम का डिफरेंस रख दो, मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इस डिस्टर्बेंस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कैपिटल टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी बाई 2 टाइम लगा ना, करेक्ट? बिकॉज टी विल बी ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, करेक्ट? तो हम लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं या तो इसको टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं.
फिर हमने देखा वेलोसिटी विच इज गिवन बाय रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, अगर किसी स्ट्रिंग पर वेव ये तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव चल रही है तो उसका वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस, ठीक है, लेकिन अगर किसी मीडियम में चल रही है करेक्ट तो इट विल बी गिवन बाय, एक्चुअली पहले लोगों को लग रहा था ये फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, बट न्यूटन ने इस फॉर्मूले को स्लाइटली चेंज कर दिया, ही सेड इट शुड बी पी बाई रो, और मैंने तो न्यूटन ने क्या सोचा कि भाई साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो एक आइसोथर्मल चेंज है, ठीक है, लेकिन इसने जब इस फॉर्मूले को यूज किया तो यहाँ पर उसने देखा कि 16% से ज्यादा एरर हो रहा था, एंड उसके बाद एक और साइंटिस्ट है लैपलेस, लैपलेस ने करेक्शन किया, लैपलेस ने बोला कि नहीं साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो क्या है, वो एडियाबैटिक है, करेक्ट, एडियाबैटिक में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो यहाँ पर देख लो v कितना हो गया, v इज एक्चुअली इक्वल टू गामा p बाय रो, ठीक, तो इसने यहाँ पे एडियाबैटिक कांस्टेंट डाला, एडियाबैटिक में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एक्चुअली, आइसोथर्मल में देखो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल में जितना हीट जा रहा है उतना हीट, जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना हीट ये रिलीज भी कर रहा है, तो टेम्परेचर लुक्स लाइक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यू नो, लेकिन एडियाबैटिक में कोई हीट का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है, या हीट का कुछ वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है वो, ठीक है, तो साउंड इतनी फास्ट मूव करती है कि डजंट एब्जॉर्ब एनी हीट और रिलीजेज एनी हीट, तो इसलिए यहाँ पर उसने गामा का एक कॉन्स्टेंट लगा दिया विच इज एक्चुअली सीपी बाई सीवी, ठीक है, ओके, तो फाइनली हमने देखा जो फाइनल वेलोसिटी है दैट वाज गामा पी बाय रो, और फिर हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, बराबर है, प्रेशर पे तभी डिपेंड करेगा जब तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर मान लो टेम्परेचर की वजह से प्रेशर चेंज हो रहा है तभी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होगा, नहीं तो तुम्हें लग सकता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है भाई ये तो गामा पी बाई रो है, ठीक है, गामा पी बाई रो तुम्हें लग सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है फिर तुम वॉल्यूम प्रेशर चेंज करते रहो उससे तुम्हारा वेलोसिटी साउंड का चेंज नहीं होने वाला है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, उसका रीजन क्या मैंने बताया था, डेंसिटी को तुम तोड़ सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर चला गया तो पी इन टू वी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट, तो फाइनल तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो अगर तुम्हारा टी चेंज कर रहे हो, टी चेंज की वजह से, इफ यू आर चेंजिंग टेम्परेचर जिसकी वजह से तुम्हारा प्रेशर चेंज हो रहा है तो ही तुम्हारा वेलोसिटी में चेंज आएगा, अदरवाइज वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये भी हमने देखा था, करेक्ट, then velocity of sound will depend on pressure if change in p changes temperature, correct, we have seen this, aur fir ye to simple hai, velocity of sound depends is inversely proportional to, ye kya hai tumhara, this is your density, theek hai, chalo to samajh mein aayi na baat bachcho, aur yahan pe to yahan se mai hame basically kya mil raha hai, velocity is inverse directly proportional to root of t, और क्योंकि यहाँ पे density आ रहा है तो we can say velocity is inversely proportional to density, correct, समझ में आ रही है बात, और हमने क्या देखा था moist air dry air, moist air की density जो होती है वो less होती है as compared to dry air, तो dry air में ज्यादा sound का velocity कम हो जाएगा, sound inversely proportional है ना, तो dry air में कम हो जाता है velocity, ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम किया था एंड वी एंडेड आवर सेशन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद एको एंड रिवर्बरेशन, ठीक है, समझ में आई बात, तो आज हम लोग वंस वी फिनिश विद डॉपलर इफेक्ट हम लोग उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है, चलो ओके, सो एको क्या होता है बेसिकली और रिवर्बरेशन क्या होता है, तो रिवर्बरेशन का मतलब होता है अगर मराठी में आप देखोगे तो आपने वर्ड सुनोगे गूंजन, ठीक है, गूंजना बोलते हैं साउंड का गूंजना, उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, और एको क्या है, एको इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिवर्बरेशन,
Anyone knows what is difference? मालूम है किसी को what is difference between echo and reverberation? Yes, anyone? सर एको में एक साउंड आने के बाद दूसरी साउंड आती है, रिवर्बरेशन में इंटर मतलब मिक्स हो जाते हैं दोनों साउंड। यस यस यस। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जब तुम कोई, तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा ये फिनोमेना बेसिकली, जब तुम कोई एकदम नए से फ्लैट में जाते हो, एकदम खाली कमरा पड़ा हुआ है, तो वहां पर तुम कुछ बोलो तो ऐसा साउंड जो है ना वो बोलते गूंजती है साउंड, करेक्ट? यस। कभी कभी बहुत बड़े से मतलब कोई बड़ा सा हॉल है वहां पे माइक तुम लगा देते हो तो देखते हो साउंड का क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं है, रिमूव द माइक एंड ऑल। मेनी टाइम्स इट हैपेंस इन सम प्रोग्राम्स एंड ऑल कि तुमने माइक लगा दिया कमरे में, कमरा पूरा खाली है बट साउंड का रिवर्बरेशन इतना हो रहा था कि वो दैट क्लैरिटी ऑफ साउंड एक्चुअली गोज ऑन, बिकॉज हम लोग के घर में वी डोंट हैव दैट ऑडिटोरियम काइंड ऑफ वॉल्स, यू नो। तो एको में क्या होता है, रिवर्बरेशन में क्या होता है, एको में तुम्हें डिस्टिंक्ट साउंड्स नहीं देता है, डिस्टिंक्ट साउंड इज हर्ड, करेक्ट? रिवर्बरेशन में क्या होता है, पार्ट ऑफ अ साउंड इज हर्ड, डिस्टिंक्ट साउंड तो नहीं हर्ड होता है, पार्ट ऑफ वाइब्रेशन इज हर्ड। ठीक है, तो जैसे अभी तुम एको में कहां पे सुनाई देगा, वैलीज में, एटसेट्रा। रिवर्बरेशन कहां सुनाई देगा, करेक्ट? रूम्स में, यहाँ पे डिस्टेंसेस कम होते हैं, करेक्ट? डिस्टेंसेस शुड बी लिटिल लेस, ऑब्वियसली रूम्स में डिस्टेंस कम होना चाहिए तभी तुम्हें रिवर्बरेशन सुनाई देगा। तो देखो अब एको में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो इस चीज को, डिस्टिंक्ट साउंड यहाँ पे तुम्हें सुनाई देती है, जैसे वैलीज यहाँ पे, this is like a part of vibration is only heard. तो जैसे अभी तुम वैली में खड़े हो जाओ और तुम चिल्लाओ, एकदम जोर से चिल्लाओ हेलो, तो तुम्हें कैसे साउंड सुनाई देगा? अगर तुम एक वैली पे खड़े हो गए, तुम चिल्लाने लगे हेलो, तो तुम्हें साउंड कैसे सुनाई देगा? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होके कैसे साउंड सुनाई देगा? हेलो 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 हेलो, ऐसे साउंड सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? यस। कभी कभी जूम में भी तुम्हें सुनाई देता है एको काइंड ऑफ थिंग, अगर मैं अपना माइक, ये वाला माइक भी ऑन कर लूं और इसका भी माइक ऑन है, तो देखा है कैसा साउंड आ जाता है, काइंड ऑफ देयर सम काइंड ऑफ एको दैट टेक्स प्लेस, इससे भी जा रहा है इससे भी जा रहा है, तो देयर सम काइंड ऑफ एको, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एको काइंड ऑफ यहाँ पे बन गया लैब्स की वजह से। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, अगर सपोज एको में क्या हो रहा है, तुमने हेलो बोला तो फिर आफ्टर साउंड गेट रिफ्लेक्टेड और जब तुमने सुना यहाँ पे तो फिर से तुम्हें हेलो सुनाई देगा, हेलो 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 हेलो, लाइक दिस, ऐसा रहता है एको। अब रिवर्बरेशन में क्या होता है, रिवर्बरेशन में तो पूरा वर्ड नहीं सुनाई देगा, रिवर्बरेशन में क्या होगा, तुमने जैसे हेलो बोला ना, करेक्ट? तो हेलो का तुम्हें हेलो ओ ओ ओ ओ ऐसे सुनाई देगा तुम्हें, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, करेक्ट? साउंड रिवर्बरेट्स, सो हो सकता है इतना पार्ट तुम्हें सुनाई दे और बीच का हेलो तुम्हारा यहाँ पर इस हेल के साथ इसके साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, एको में तुम्हें क्लियरली सुनाई दे रहा है, रिवर्बरेशन में तुम्हें क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है? यस, एनीवन नोज द रीजन? एको में तुम्हें तो क्लियरली सुनाई दे रहा है इतना हेलो 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 हेलो, रिवर्बरेशन में इतना क्लियरली साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, सो व्हाट इज द रीजन, मेन रीजन बिहाइंड दिस? सर एको में साउंड एक ही बार रिफ्लेक्ट होता है और रिवर्बरेशन में मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होता है। नहीं, यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो इसका रीजन है, इट हैज टू डू with response time of our ear, kya response time of our ear, to response time of our ear jo hai kitna hai malum hai kisi ko, if I'm not wrong it is 0.1 seconds, response time jo apne ear ka jo hota hai it is how much 0.1
सेकेंड, ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर मैंने बोला किसी किसी पर्सन का रिस्पांस टाइम 0. जनरली इतना ही रहता है, ठीक है, मुझे लगता है इतना ही रहता है। आई विल जस्ट एक सेकंड इसको भी बता देता हूं। 2, 3 यस यस इतना ही रहता है बराबर 0.1 सेकंड। तो देखो 0.1 सेकंड रिस्पांस टाइम, ऐसा मतलब क्या हुआ कि सपोज नॉर्मली ऑल्सो व्हाइल यू आर हियरिंग एनी लेक्चर और यू आर हियरिंग एनी स्पीच, कोई तुमसे बोल रहा है कुछ, करेक्ट, तो अगर कोई बहुत फास्ट फास्ट बोले तो क्या तुम्हें, विल यू बी एबल टू मेक इट आउट व्हाट इज व्हाट दैट सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाह रहा है आपसे, बताओ। कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। सो विल यू बी एबल टू मेक इट आउट वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। अगर मैं तुमसे बहुत फास्ट फास्ट बोलना स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम्हें समझ में आ पाएगा। जैसे आई डोंट अभी जैसे कैसे हाउ व्हाट व्हाट शुड आई से, या मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, जैसे सपोज अभी मेरे सामने एक बुक है मेरे पास, तो मैं उसमें एक एक लाइन एक, ये जैसे सपोज ये मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत तेजी से पढ़ूंगा मैं, तो मैं बताना तुम्हें कुछ समझ में आया क्या। बैट्स डिपेंड ऑन साउंड रादर देन लाइट लुक इट ऑब्जेक्ट्स रादर देन फ्लाइंग रोलर। तो अगर कोई ऐसा बहुत फास्ट फास्ट रीड कर रहा है तो तुम्हें यू नो यू कांट मेक इट आउट व्हाट ही इज रीडिंग, बट इफ आई इसी को मैं बहुत स्लो स्लो रीड करूं, बैट्स डिपेंड्स ऑन साउंड रादर देन लाइट टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट, इसको बहुत एकदम फास्ट पढ़ दूं, बैट्स डिपेंड्स ऑन साउंड, सो इफ आई एम स्पीकिंग लाइक दिस सो यू वोंट बी एबल टू मेक इट आउट व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट, क्यों, क्योंकि हमारा जो ईयर का रिस्पॉन्स टाइम है वो 0.1 सेकेंड है। मतलब अगर मैं एक वर्ड वन बोला मैंने और वर्ड टू, इसके बीच में मिनिमम जो टाइम गैप है वो 0.1 सेकेंड का होना ही चाहिए, तभी हमें ये दोनों वर्ड डिस्टिंक्टली सुनाई देंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात, करेक्ट। सो वी शुड ऑलवेज हैव अ टाइम लैप्स ऑफ मिनिमम 0.1 सेकेंड बिटवीन टू वर्ड्स, देन ओनली वी विल बी एबल टू हियर देम डिस्टिंक्टली। अगर मैं तुमको बोलूं समझ में नहीं आएगा क्या बोलूं, बट धीरे धीरे बोल ए बी सी डी लाइक दैट, तो तुम्हें वर्ड्स डिस्टिंक्टली सुनाई देंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तब एको में क्या होता है, तुम्हारे जो रिफ्लेक्शन है ये 0.1 सेकेंड के बाद तुम्हें आ जाता है, मतलब ये वाला जो हेलो है तुम्हारा जो रिफ्लेक्ट होके आया ये 0.1 सेकेंड के बाद आएगा, ठीक है, 0.1 सेकेंड के बाद आता है रिफ्लेक्शन। और रिवर्बरेशन में क्या होता है, 0.1 सेकेंड के पहले ही पहुंच जाता है, मान लो 0.1 सेकेंड के पहले इतना तुम्हारा हेल वाला पार्ट जो वो पहुंच गया, करेक्ट, तो तुम्हें केवल ओ ओ सुनाई देगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई सभी बच्चों को। इसलिए तुम देखो मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको कैसे निकालते हो, मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एको लेट्स निकालना है हमें, साउंड की वेलोसिटी दी है तुम्हें 340 मीटर पर सेकेंड, 330 ले लो, 340-330 के आसपास, लेट्स अस्यूम 340 मीटर पर सेकेंड है किसी भी रूम में, करेक्ट। तो अब देखो एको तुम्हें डिस्टिंक्टली सुनाई देना है, तो यहां से साउंड गई रिफ्लेक्ट होके आई यहां पर, तो कितनी देर बाद आनी चाहिए ये साउंड, कितनी देर बाद आनी चाहिए साउंड, 0.1 सेकेंड के बाद आनी चाहिए, तब तुम्हें डिस्टिंक्टली एको सुनाई देगा, अदरवाइज क्या होगा 0.1 सेकेंड के पहले आ गई, मैंने तुम्हें बताया हेलो बोलोगे तो बीच में ही तुम्हारा हेल आ जाएगा और ओ तुम्हें सुनाई देगा, तो ऐसा हेलो ओ ओ ओ ऐसे सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन से जो मिनिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए दैट शुड बी 2x, टाइम इज 0.1 सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी इज 2x/t, करेक्ट, तो अब वेलोसिटी 340 है, डिस्टेंस इज 2 × x, टाइम इज 0.1, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 70 meters, ठीक है, समझ में आई बात सब बच्चों को।
तो दैट मीन्स टू हियर एन एको तुम्हारा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 16-17 के आसपास होना चाहिए, 17 से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू हियर एन एको। ओके जल्दी से लिख लो। यस, एको का कुछ एप्लीकेशन सोनार में होता है, सोनार मालूम है ना, विच इज यूज फॉर फिशिंग एंड ऑल। देखो यहाँ पे एक शिप रहता है, यहाँ पर एक दिस इज विजिबल, ये यहाँ पे एक साउंड जनरेटर रहता है, ये यहाँ से साउंड ऐसे फेंकता है यहाँ पे, और ये यहाँ पर एक रिसीवर रहता है, ये साउंड जनरेटर रहता है, ये रिसीवर रहता है। तो ये फेंक के कितने टाइम पर आया तो ये तुम्हें बता देगा, यहाँ पे टी कितना है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, ये टी तुम्हें बता देगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है ना, यस नो? ठीक है ना बच्चों, यस नो कुछ बोलिए। और बीच में अगर मान लो फिश आ गई तो फिर ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा भी फिश आ गई यहाँ पर, तो देन यू सिंपली जल्दी से यहाँ पर नेट डाल दो, फिश यहाँ पे अटक जाएगी तुम्हारी। ठीक है, लाइक दिस कैच फिशेस आल्सो समटाइम्स। ओके, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस नो? ओके, तो अब यहां पर हम कुछ और चीजें देखते हैं, क्वालिटीज ऑफ साउंड देखते हैं। क्वालिटीज ऑफ साउंड में व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन सी, देखो वन थिंग इज तुम्हें फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ये सब चीजें तो पता चल गई, बट द समथिंग कॉल्ड एज पिच। पिच क्या होता है? इफ यू सी, इफ यू हियर अ बफेलो साउंड, मेल साउंड एंड अ फीमेल साउंड, किसका पिच हाई रहता है बताओ जल्दी से, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। बफेलो साउंड, मेल साउंड एंड फीमेल साउंड, किसका पिच हाई रहेगा जल्दी से बताओ। यस, किसका पिच हाई रहेगा? फीमेल साउंड। फीमेल साउंड, यस रुद्राक्ष, वेरी गुड। तो फीमेल साउंड का पिच जो है वो हाई रहता है। ठीक, तुम ओपेरा सिंगर्स को देखो, ठीक, तो पिच, हाई पिच मतलब हायर द पिच, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, हायर इज द फ्रीक्वेंसी। So that goes to show that women have more frequency as compared to men. Then we have timber. Timber क्या होता है? इसको quality भी बोलते हो। देखो, even in men also, men also have different kind of sounds ना, जैसे suppose आमिर खान का अलग साउंड है, शाहरुख खान का अलग साउंड है, तुम पहचान लेते हो ना, ये आमिर खान का साउंड है, शाहरुख खान का, ये अमिताभ बच्चन का साउंड है, बराबर है। समथिंग दैट हैज टू डू विद टिम्बर। इवन इन मेल आल्सो अलग अलग मेल्स का अलग अलग साउंड रहता है, करेक्ट? तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड। तुम किसी की आवाज सुन के पहचान लेते हो ना कि भाई ये जो बंदा है ये इस बंदे की साउंड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं quality of sound, या timbre बोलते हैं इसको, ठीक है। And then the next part is, इसको आप बोलते हो loudness। अब यहाँ पर देखो, तो समझ में आया timbre, तो pitch has to do with frequency। अब आता है दूसरा, तीसरा पार्ट आता है यहाँ पे loudness, ठीक है। तो loudness जो है बच्चों, loudness has to do with amplitude, loudness is related to किससे, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी।
अगर ज्यादा एम देखो अब क्या क्या हो सकता है, तुम लेट से तो पिच समझ में आ गया, करेक्ट? पिच मींस हायर द पिच, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? इनफैक्ट जो सिंगर्स होते हैं ना, वो जब हाई पिच पर गाना हर कोई नहीं गा सकता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको टू सिंग अ सॉन्ग एट अ हाई पिच। जो ये म्यूजिशियन रियाज करते हैं ना, ये हाई पिच पर रियाज करते हैं एक्चुअली, जो प्रैक्टिस करते हो आप गाना गाने का, एक पर्टिकुलर पिच पे वो जो गाना रहता है, जो भी सॉन्ग्स रहते हैं तुम्हारे म्यूजिक कंपोजिशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर पिच पर होता है, ठीक है? इवन इन संस्कृत ऑल्सो जो श्लोक रहते हैं तुम्हारे, वो एक पर्टिकुलर पिच पर रहते हैं, तो उसको ही प्रैक्टिस करना रहता है म्यूजिशियंस को, करेक्ट? उस पिच पर। फिर टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? क्वालिटी। अब आपका साउंड का क्वालिटी भी तो अच्छा होना चाहिए ना, ठीक है? तो वन थिंग इज पिच, जो आप प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा क्या है? क्वालिटी। अब लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखो, जैसे जैसे कुछ लोगों का एकदम गॉड गिफ्टेड साउंड रहता है, बराबर है? कुछ लोगों का एकदम गॉड गिफ्टेड अच्छा साउंड रहता है, यू नो, सो दैट इज काइंड ऑफ अ गॉड गिफ्ट दैट इज गिवन टू यू, टिम्बर उसको बोलते हैं। एंड देन वी हैव लाउडनेस, करेक्ट? लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस जैसे अब तुम टीवी का वॉल्यूम, जैसे अभी देखो तुमने अभी डिफरेंस कर लिया कि भाई मेल का साउंड है या फीमेल का साउंड है, अरे अब मेल में भी कौन से मेल का साउंड है, करेक्ट? विच मेल यू आर चूजिंग, विच मेल साउंड यू आर चूजिंग, एंड देन उस पर्टिकुलर मेल के साउंड में भी तुम उसकी साउंड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, लाइक दैट ऐसा कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, सो लाउडनेस हैज टू डू विद एम्पलीट्यूड, ओके? समझ में आई बात? ओके, तो तुम्हें एक मैंने तो एक रिलेशन बताया था तुम्हें, इंटेंसिटी, करेक्ट? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। वेव्स में शायद नहीं, तुम लोग को नहीं बताया था, यस, बट ये रिलेशन याद रखो, इंटेंसिटी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इंटेंसिटी क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? साउंड का इंटेंसिटी, देखो अभी बहुत ज्यादा, जैसे भी सपोज कहीं पे डीजे वीजे बज रहा है, यू नो, बजते ना कभी कभी गणपति के टाइम पर और किसी फेस्टिवल के टाइम पर, करेक्ट? तो अगर कोई डीजे वीजे इस टाइप का कोई चीज बजा रहा है तो साउंड का इंटेंसिटी बोलते हैं, इट्स क्वाइट हाई, इट्स वेरी हाई इंटेंसिटी साउंड, ठीक है? या कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है ना कि बहुत तेजी से अगर आप सुनोगे तो आपके ईयर को डैमेज हो सकता है, इंटेंसिटी अगर बहुत हाई है तो दैट कैन डैमेज योर ईयर्स, स्पेशली स्पेशली देखो जो लोग शूट वूट करते हैं अपने कान में, ये पहन लेते हैं, यू नो, एक हेडफोन टाइप का पहन लेते हैं, यू नो, या स्पेशली जो लोग रॉकेट्स वॉकेट्स जहाँ पे एविएशन वाले जो रहते हैं वो भी एक इस टाइप का पहने रहते हैं, ताकि ज्यादा वाइब्रेशन उनके कान को इफेक्ट ना कर सके, ज्यादा इंटेंसिटी साउंड की ना पहुंच सके वहां पर उनके ईयर्स पे, बिकॉज ईयर इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गेन, करेक्ट? नाउ लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, करेक्ट? तो हमें बोल सकते हैं लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दे काइंड ऑफ रिलेटेड टू इच अदर, ठीक है? लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? और लाउडनेस का एक फॉर्मूला है, देखो तो लाउडनेस का जो फॉर्मूला है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड, एल दिस इज इक्वल टू लॉग 10 आई वाई आई नॉट, ठीक है? बराबर है? सो लाउडनेस इज गिवन बाय दिस log 10 आई बाय आई नॉट। अब यहां पर देखो आई नॉट क्या है और आई क्या है, आई इज तुम्हारा आई इज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, और आई नॉट क्या है, आई नॉट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट यू कैन हियर,
ठीक है, तो एक काम करो पहले इतना लिख लो, सॉरी मैक्सिमम नहीं, दिस इज दिस शुड बी मिनिमम इंटेंसिटी दैट यू कैन हियर, इतना पहले लिख लो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे लॉग का क्यों यूज कर रहे हैं, लॉग स्केल क्या होता है, तो पहले इतना लिख लो तुम लोग, फिर देन वी विल टॉक। ओके, तो मैं आपको लॉगरिथम लाउडनेस हम देख रहे थे, तो ये जो रहता है, ये जो लाउडनेस हमने लॉग 10 आई बाई आई नॉट लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस ऑल्सो, पर इसका जो यूनिट होता है इसको हम बोलते हैं बेल, इसका जो यूनिट होता है इसको इसको क्या बोलते हो, बेल बोलते हो आप, ठीक है। और जब तुम्हें मालूम है अभी बेल अगर ये है, डेसी मतलब क्या हुआ, 10 टाइम्स, जैसे डेसीमीटर, डेसीमीटर मतलब क्या हो गया, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स को आप डेसीमीटर भी बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे जब तुम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है तुम्हारा लॉग ऑफ 10 आई बाई आई नॉट, तो ये हो जाता है तुम्हारा डेसीबेल, 10 लॉग ऑफ दिस थिंग इज नोन एज डेसीबेल, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीबी, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज कि जो साउंड का जो पहली बात तो इंटेंसिटी, पहले मैं आपको एक आई जस्ट मेक यू हियर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज, तो लाउडनेस का इंटेंसिटी याद रखो डेसिबल होता है, ठीक है। तो चलो लेट अस हियर सम वेरियस वेरियस डेसिबल, तो यहाँ पर देखो ये जीरो डेसिबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो डेसिबल, कुछ नहीं दे रहे जीरो डेसिबल पे, कॉस्मोस का साउंड जो है that could be taken as zero decibel, space का sound, ten decibel, सुनाई दे रहे बच्चों आपको, देखो थोड़ा और sound को इसको कट देता हूँ, विस्पर 20 डेसिबल इज फॉर विस्पर, घड़ी का आवाज 30 डेसिबल होता है, इज अ 40 डेसिबल साउंड, टॉकिंग सिक्सटी डेसिबल साउंड, सेवेंटी ठीक है, सो दैट यू सॉ दैट बच्चों, तो आपने अभी देखा कि साउंड का डिफरेंट डिफरेंट साउंड, तो आई नॉट जो है हमारा
आई नॉट क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी, या इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें साउंड सुनाई देती है उसको आप आई नॉट बोलते हो, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट, अच्छा इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट फॉर इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक एक मीटर स्क्वायर पे कितना कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर तुम एक मीटर स्क्वायर लेते हो तो यहाँ पर इस एक मीटर स्क्वायर पे कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, करेक्ट। तो नाउ ह्यूमन ईयर्स हैव वन वेरी वेरी अमेजिंग थिंग, कि अपना जो ईयर्स है, जो आई नॉट है, अभी इफ आई टेल यू दिस आई नॉट का वैल्यू कितना था, अप्रोक्सीमेटली 10^-12 वॉट पर मीटर, मतलब समझो एक मीटर स्क्वायर पे 10^-12 का अगर कोई साउंड का इंटेंसिटी है तो आवर ईयर कैन एक्चुअली डिटेक्ट दैट, दैट इज थ्रेशोल्ड, एकदम मिनिमम, करेक्ट। मैंने देखा ना एकदम जो कॉस्मोस का जो साउंड है, जो साइलेंट, जो साइलेंस जो है, थोड़ा बहुत हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो एकदम थोड़ा बहुत सुनाई देता है ना वो, ठीक है, तो वो कितना है 10^-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहां से जस्ट हमें साउंड डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है, समझ में आ रही है बात। तो यू कैन जस्ट सी कि हमारा जो ईयर है वो कितनी कम इंटेंसिटी के साउंड को डिस्कवर कर पा रहा है, कितनी कम इंटेंसिटी के साउंड को मैनिपुलेट कर पा रहा है, करेक्ट। दिस गोज टू शो व्हाट, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब तुमने देखा होगा अगर अगर लेट से कोई एक पर्सन स्पीक कर रहा है तो दिस इज ऑलमोस्ट 60 डेसिबल साउंड, और अगर बहुत सारे लोग स्पीक कर रहे हैं तो दैट इज 70 डेसिबल साउंड। तो इसमें से इसमें जस्ट कितने का राइज हुआ, केवल 10 का राइज हुआ। ये जो राइज हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम किस स्केल पे देख रहे हैं, ये लॉगरिथमिक स्केल पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो लीनियर स्केल और लॉगरिथमिक स्केल, व्हाट इज द डिफरेंस। लीनियर स्केल जो होता है अपना, जैसे फॉर एग्जांपल, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, या तो लीनियर स्केल जैसे 1 से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये अपना हो गया लीनियर स्केल। यहाँ पे देखो 1 बोल सकते हो, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज एडिशन ऑफ 1 into 1 बोल दो, या 1+1, 2+1, 3+1, करेक्ट। बट एक और स्केल हमने डिजाइन किया जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक स्केल। सो लॉग, व्हाट इज दिस लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल में तो ये 0 से स्टार्ट होगा, दिस -1 एंड ऑल दैट। तो लॉगरिथमिक स्केल आल्सो, एक्चुअली लॉगरिथमिक स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, लाइक दैट। तो लॉगरिथमिक स्केल में तुम इंटू 10 कर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, इंटू 10^-1 कर रहे हो, करेक्ट। यहाँ पे भी यूनिट सेम रहते, लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटू 10 कर दिया, इंटू 10, लाइक दिस। दिस गोज अवर लॉगरिथमिक स्केल। यहाँ पे 1/10, 1/100, 1/1000, लाइक दिस। तो ये जो अपने स्केल बन रहा है मल्टीप्लाई करके, सो दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। तो लॉगरिथमिक स्केल में 1 से लेके 10, तो यहाँ पे 2 कहाँ पर आया, देखो 2 की वैल्यू, अभी जैसे फॉर एग्जांपल लॉगरिथमिक स्केल में तुम्हें 2 पुट करना है, तो 2 कहाँ पे पुट करो, 1 और 10 अगर ये है, करेक्ट। तो अब 2 पुट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, लॉग ऑफ 10 into 2, ये कर दो, लॉग ऑफ 2 कर दो, लॉग ऑफ 2 देखो कितना आता है, लॉग ऑफ 2 आता है ऑलमोस्ट 0.301, करेक्ट, 0.301, तो लॉग 2 0.301 कहीं तो यहां पर आएगा, करेक्ट। तो 4 कहां पर आएगा, 4 इसका 0, ये डिस्टेंस है तुम्हारा, बेसिकली ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा जो एट 0.301 पे आएगा, ठीक है। फिर 0. फिर ये यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, करेक्ट। फिर अगेन इतने ही डिस्टेंस पर कितना आएगा,
इसको भी थोड़ा सा कर कर देते हैं। इतने ही डिस्टेंस पर कितना आएगा, देखो 4 आ गया 0.301 पे, 6 आ गया, फिर 8 आ गया, और फिर एक्चुअली ये 1/3 है ना, आई एम सॉरी दिस इज 1/3, एक सेकेंड ना, सो लॉग ऑफ 4 देखो जरा, लॉग ऑफ 4 जो है, हाँ यस, तो लॉग मतलब अभी इनटू 2 कर दो, इसको इनटू 2 कर दोगे तो 6 पॉइंट जो जो नंबर आएगा यहाँ पर, करेक्ट, तो ये 4 मतलब कितना हो गया, दिस डिस्टेंस शुड बी अगेन नाउ 0.602, ठीक है, फिर उसके बाद समझ में आ रही बात की नहीं है, लॉगरिथमिक के लिए वो कैसे चल रहा है यहाँ पर, करेक्ट, अब जब जो 6 आएगा तुम्हारा, 6 जो है वो 0.9 के आसपास आएगा, 0.902 यहाँ पे 6 आएगा, करेक्ट, और यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 यहाँ पर पेंट होगा, करेक्ट, 6 दैट मींस व्हाट, अब देखो 5 कहीं तो इसके इसके बीच में कहीं तो रहेगा, तो ऐसे ये स्केल एक्चुअली में ऐसे ऐसे डिजाइन रहता है, यहाँ पे सारे इंटरवल्स इक्वल इंटरवल नहीं होते हैं, लॉगरिथमिक स्केल में सारे इंटरवल्स एट मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में रहता है ऐसा, ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो अब देखो द वेरी फैक्ट दैट अवर ईयर्स कैन हियर इतना कम अमाउंट ऑफ साउंड 10^-12, और अगर हम तुम 10^-12 इवन अगर तुम 10^-6 कर देते हो तो बहुत हाई इंटेंसिटी होती है, एक्चुअली में 10^-6 की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो तुम इसको देखोगे ज्यादा होगी, इनफैक्ट अगर तुम सोचो अभी तुमने 1 मीटर स्क्वायर में 10^-12 वॉट की एनर्जी पुट करी है तो वो मिनिमम है, अब अगर तुम 1 वॉट की एनर्जी पुट कर दोगे, 1 वॉट 2 वॉट अगर इतना पुट कर दोगे, that means that's a tremendous amount of energy, correct, तो उसके लिए अगर तुम linear scale देखोगे तो linear scale कम पड़ जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम 10^-12 से let's say तुम 1 की तरफ move कर रहे हो जब, तो जब तुम अगर इस 10^-12 को तुम 1 की तरफ जब तुम जा रहे हो उसको जब तुम linear scale में plot करोगे, ठीक है, तो now this linear scale won't be able to accommodate so many numbers, तो इतने सारे नंबर्स को अकोमोडेट करने के लिए हमने कौन सा स्केल चूज किया, यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल चूज किया है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ ये जो अपना लाउडनेस का जो रिलेशन बनता है दैट इज लॉग ऑफ 10 आई बाय आई नॉट, इसको हमने जस्ट करंट इंटेंसिटी को थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी के साथ हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है, एक्चुअली इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी, इट शुड बी इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, समझ में आई बात, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो मैं बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लाउडनेस से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल लीस्ट ऑडिबल साउंड जो है, लीस्ट ऑडिबल साउंड उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, लीस्ट ऑडिबल साउंड, लीस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी, जो तुमने देखा था हवा हवा चल रही है, मान लो तुम कोई माउंटेन में हो, हवा चल रही है, रस्टलिंग ऑफ लीव्स, इस तरह का जो साउंड होता है बहुत कम इंटेंसिटी, तो इसका जो ये होता है दैट इज गिवन एज 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट, तो आई जब हम आई नॉट पुट कर देंगे, करेक्ट, सो दिस गिव्स मी हाउ मच, कितना आ गया 10 log 1 which is 10, this is how much 10 decibels ना, देखो ये तो ये term तो 1 हो गया, और मैंने क्या बताया था तुम्हें ऊपर ये वाला इसका यूनिट बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये हो गया बेल, ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल बिकम डेसीबेल, ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिबल हो गया, तो हम जनरली जो साउंड का जो यूनिट है इसको हम डेसिबल में रखते हैं, नॉट इन बेल्स बट इन डेसिबल्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात, सो दिस विल बी 10 डेसिबल, दिस विल बी
टेन, ये यूनिट, ये इसका सिंबल होता है डेसिबल का, 10 into dB. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो तुम्हारी इंटेंसिटी जो है कितनी है, या सपोज अब तुमने बोला ये तो 10 हो गया, अब लेट से तुम 20 डेसिबल्स तक गए, तो देखो 20 डेसिबल में कितना ही इंटेंसिटी बढ़ जाएगा. 20 का तुमने ऐसे रखा है, दिस इज 10 log of I by I naught, है ना, ठीक है. तो दिस मींस log of I by I naught is equal to 2. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ इस बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, I by I naught is 100, ना, ये तो मतलब हुआ, that means I is actually 100 times I naught. Just simply, just तुमने इसको 10 decibel को तुमने 20 decibel कर दिया यहाँ पर, 10 की जगह तुमने इसको 20 decibel कर दिया, ठीक है. तो ये जो तुम्हारे इंटेंसिटी है, जस्ट 100 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ रही है, तब तुम्हारा 10 डेसिबल्स का चेंज आ रहा है यहाँ पर. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? 100 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ी तो तुम्हारा 10 डेसिबल का चेंज आएगा, करेक्ट. जब तुम इसको 1000 टाइम्स कर दोगे इसको, तब तुम्हारा अगेन, दैट मीन्स जो यहाँ पर जो साउंड, जो स्केल तुम बेसिकली जो देख रहे हो, 1, 10, 10 टाइम्स, तुमने इसको 10 टाइम्स किया तो ये 10 डेसिबल बढ़ेगा, इसको तुमने अनदर 10 टाइम्स कर दिया तो ये 100, मतलब यहां से तक अगर तुम्हें जाना है तो दैट मींस तुमने इस स्केल को, या तुमने अपनी साउंड की इंटेंसिटी को 100 टाइम्स जब तुम बढ़ाओगे, तब तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच पाओगे, ठीक है, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन अ लीनियर स्केल. देखो समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तुम लीनियर स्केल भी चूज कर सकते थे, बट देन लीनियर स्केल का लिमिटेशन है, हम 100,000 तक नहीं पहुंच सकते लीनियर स्केल में, ये तो 20 तक है. अब जब अगर मान लो हम 100 डेसिबल तक जा रहे हैं, 120 तक जा रहे हैं, देन लीनियर स्केल वोंट वर्क ओवर हियर. समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो, बिकॉज अभी तुमने इंटेंसिटी और सबके फॉर्मूलेज नहीं देखे, तो विल नॉट गो दोस, बट आई होप ये आपको समझ में आ गया, करेक्ट. ये सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? लाउडनेस आप कैसे निकाल रहे हो, क्यों हमने यहाँ पर लॉग लिया है, लॉग सबको मालूम है ना? तो बच्चों नाउ लेट अस स्टार्ट विद डॉपलर इफेक्ट. क्या होता है डॉपलर इफेक्ट, मालूम है किसी को? ये लाइट में भी देखा जाता है, साउंड में भी देखा जाता है. जो फिनोमेना साउंड में वो लाइट में तो है, रहेगा ही रहेगा. लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, हमने एको देखा. लाइट में डॉपलर इफेक्ट होता है, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, यू नो. तो साउंड में भी होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, साउंड ऑल्सो रिफ्रैक्ट एक्चुअली. सो वॉट इज दिस फिनोमेना ऑफ डॉपलर इफेक्ट? यस, एनी वन? Changes when you are moving relative to the sound emitter, well, that's the Doppler effect. And it's very easy to notice this effect. You could notice how the pitch of a siren increases when an ambulance gets close to you, and how it decreases when the ambulance gets far away from you. First, let's understand how the waves propagate from an emitter. Notice they propagate equally in every direction. The frequency of this sound is determined by how many times the circles... So, here, look, if there is a source of sound, ठीक है बच्चों, इफ लेट्स से देयर सम सोर्स ऑफ साउंड ओवर हियर, तो जो साउंड है वो देखो इक्वली प्रोपोगेट होगी, बराबर है कि नहीं? साउंड जो प्रोपोगेट हो रही है, ये जो डिस्टेंसेस हैं, साउंड इज प्रोपोगेटिंग इक्वली. अगर टी टाइम में वो 10 मीटर पहुंची, 20 वन सेकंड में 10 मीटर पहुंची, 2 सेकंड में 20 पहुंचेगी, 3 सेकंड में 30 पहुंचेगी, करे इट इज इक्वली प्रोपोगेटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस. इतनी बात समझ में आ गई? ओके, Or wave peaks pass through 1 point in 1 second. If 10 circles pass through 1 point in 1 second, the frequency is 10 hertz. But if 10 circles pass in 2 seconds, the frequency is 5 hertz. The higher the frequency, the higher the pitch, and vice versa. Let's see now what happens when the ambulance starts moving.
Note, the waves at the front are closer to each other, and at the back, farther from each other. So clearly, now, up the front, the frequency has increased, and the reason for this is basically that the emitter is moving forward, so the newer waves are originated farther ahead. So if the siren is moving towards you, you will hear a high-pitched sound. For the same reason, at the back, the frequency has decreased, so if the siren is moving away from you, you will hear a low-pitched sound. If you are moving at the speed of sound, the sound waves will start to accumulate at the front. This will generate a huge load of pressure, you can which see this might not withstand. You can see, जैसे ये व्हीकल आगे की तरफ जा रहा है वैसे तुम देखो क्या हुआ, देखो ये जो चीजें पास पास में आ गई ना, अब देखो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, अगर बहुत गोले बहुत पास पास में है तो मतलब वो हाई फ्रीक्वेंसी होगा, बराबर है कि नहीं? हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा ज्यादा साउंड निकल रही है ना, गोला मतलब एक गोला मतलब ये साउंड एमिट हो गई है, ठीक है? अभी ज्यादा गोले होंगे मतलब ज्यादा साउंड एमिट हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मोर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, आगे के आगे जब ये एम्बुलेंस ऐसे आगे मूव करेगी तो यहाँ पर तुम एक्चुअली ऑब्जर्व करो तो यू विल सी ये जो डिस्टेंसेस है ना ये थोड़ा कम है लेकिन ये डिस्टेंसेस ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कहाँ पे फ्रीक्वेंसी विल बी मोर एट दिस प्लेस, फ्रीक्वेंसी इज मोर हियर एंड फ्रीक्वेंसी इज लेस हियर, ठीक है? तो ये जो डॉपलर्स इफेक्ट है दिस इज बेसिकली अ फिनोमेना व्हिच इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जब सोर्स अगर मूव कर रहे हैं ना, अगर सोर्स तुम्हारे रिस्पेक्ट में, इफ तुम्हारे और सोर्स के बीच में मान लो कोई रिलेटिव मोशन है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। समझ में आ गई ये बात, डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, करेक्ट? अगर ये बस आगे की तरफ मूव कर रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंसेस है पास पास में आ गए ना, बेसिकली अगर मान लो ये सोर्स है तुम्हारा, ठीक है, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स है तो यहाँ पर तुम देखोगे कुछ साउंड ऐसे एमिट हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी में। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो मतलब साउंड फिर ऐसे एमिट हो रही होगी, ये गोले थोड़े दूर दूर पर होंगे ना लो फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकेंड, करें मतलब ज्यादा ये गोले निकल रहे होंगे इस सोर्स से, ठीक है, तो पास पास में रहेंगे ये गोले, ओके। अब यहां पर देखो जब कोई सोर्स मूव करता है तो क्या होता है, यहां पर देखो यू कैन सी आगे वाले जो गोले हैं ये पास पास आ गए, ये गोला ये सब पास पास में आ गया ना, करेक्ट? तो इसकी वजह से क्या होता है, जब एम्बुलेंस तुम यहाँ पर खड़े हो और एम्बुलेंस तुम्हें अप्रोच कर रही है, तुम्हें क्या साउंड, तुम्हें कैसा फीलिंग आता है कि फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हेन एम्बुलेंस अप्रोचेस यू, ठीक है, और जब तुम यहां पर अगर मान लो खड़े हो तुमसे एम्बुलेंस दूर जा रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ऐसा फीलिंग आता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई व्हेन एम्बुलेंस मूव्स अवे फ्रॉम यू, बच्चों इतनी बात समझ में आई? ये तुम नॉर्मल अगर तुम ट्रैफिक में भी खड़े हो ना तो वहां पे भी तुम इस टाइप के सुन सकते हो काइंड ऑफ चीजें, ठीक है? सुना तुमने? यू हर्ड, कैसे सुनाई देता है ना तुम्हें, करेक्ट? तो आई होप तुम्हें डॉपलर इफेक्ट का होता है कि ये तुम्हें समझ में आ गया हो। अब इसके एक रिलेशन हम लोग डिराइव करते हैं।
तो यहाँ पे चार या बोलो चार चार इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो डॉपलर इफेक्ट में तुम्हें बनेंगे, करेक्ट? तो एक कौन सा केस है? ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग. ऑब्जर्वर स्टेशनरी, सोर्स मूविंग. ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग. तो यहां पर देखो ये सोर्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, दिस इज अ सोर्स. यहाँ पे तुम्हारा हो गया ऑब्जर्व, ईयर मतलब ऑब्जर्वर, ये हो गया सोर्स, ठीक है. तो अब देखो यहां पर क्या होगा. अब सोर्स मान लो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, ये हो गया, ठीक है. और साउंड, तो यू क्या है यहां पर? यू इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यूएस लिख लो चाहिए तो. यू ओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ध्यान रखना कन्वेंशन है. एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, करेक्ट? इसका फ्रीक्वेंसी अगर मान लो मैंने बोला, ठीक है चलो इसको बाद में देखेंगे. तो ये तीन, एटलीस्ट ये तीन चीज तो आप ध्यान में रखो पहले, ठीक है, ओके. तब देखो अब होगा क्या कि अगर मान लो ये एक यहाँ पे पल्स इसने जनरेट करी, यहाँ पे पल्स जनरेट हुई, ठीक है. तो अभी मान लो इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना था? एक्स था, समझ में आई बात? तो इस पल्स को, पल्स पी वन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताओ? टी वन. तो टाइम टेकन टू रीच पल्स पी वन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर कितना लगेगा, जल्दी से बताओ? टाइम टेकन टू रीच पल्स पी वन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर कितना लगेगा, जल्दी से बताओ बच्चों, कितना लगेगा टाइम टी वन? जल्दी से बताओ. साउंड की वेलोसिटी मालूम है ना तुम्हें? v, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिस इज अ डिस्टेंस सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में. सो t1 कितना हो गया? x by v हो गया. हो गया कि नहीं हो गया? से यस नो, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए, कुछ बोलोगे कि नहीं? यस नो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? किस हो गए सब? ओके, ठीक है. और अब समझो, अब अगर मान लो मैं बोलता हूं एक पल से दूसरी पल्स तक का जो टाइम है वो मान लो कैपिटल टी, टी इज अ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया बच्चों? अभी तो ये पल्स जनरेट हो गई, ये पल्स अभी जनरेट हुई, इसके टी टाइम बाद दूसरी पल्स जनरेट होगी, बराबर है कि नहीं बराबर है? टाइम पीरियड का मतलब वही होता है ना, एक पल्स जनरेट हो गई, इस पल्स के जनरेट होने के टी टाइम बाद दूसरी पल्स जनरेट होगी, इसी का तो मतलब होता है टाइम पीरियड, बराबर है? तो इन टाइम टी, तो अब क्या होगा, अब ये पल्स को, इसको ये पल्स को छोड़ दी इसने और ये इसके पास x by v टाइम पे पहुंचेगी. अब देखो, अब पहले सोर्स यहां पर था, अब सोर्स t टाइम में यहां पर पहुंच गया. सोर्स t टाइम में कहां तक पहुंच गया? कहां तक पहुंच गया? यहां तक पहुंच गया, ठीक है. ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर, ठीक. तो t टाइम में यहां तक पहुंचे, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? velocity of source into time. अब इसने t time बाद यहाँ पे दूसरी पल्स छोड़ी, इसने पल्स p2 छोड़ी. अभी पल्स p2 जो है इस ऑब्जर्वर के पास कितने टाइम में पहुंचेगी? अभी ये डिस्टेंस हो गया us into t, हो गया x minus us into t, ठीक है. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो बात को कि नहीं? यस नो बोलो, कुछ बोलते रहो बच्चों, कुछ बोलोगे? यस नो? यस सर. तो अब बताओ जल्दी से, अब ये वाली पल्स जो जो यहाँ पे आई, इसको कितने टाइम बाद सुनाई देगी?
T2 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, T2 कितना हो जाएगा? T प्लस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, नहीं, एक्स माइनस यू एस अपॉन टी अपॉन वी। अब तुम्हें लग रहा होगा टी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो सिंपल से लॉजिक है, ये सोर्स है तुम्हारा, ये सोर्स मान लो स्टेशनरी है, अभी ऑब्जर्वर यहाँ पर, ये सोर्स है ऑब्जर्वर है। तो एक पल्स P1 जनरेट हुई, ये कहाँ, ये इसको कितनी, ये इसको मान लो T1 टाइम पे सुनाई थी इसको, जो भी टाइम T1 है। अब जो दूसरी पल्स आएगी वो उसको T1 + T टाइम पे सुनाई देगी, तो दूसरी पल, तीसरी पल्स जो होगी T1 + 2T टाइम पे, तीसरी पल्स T1 + 3T टाइम पर, बराबर है। तो हर एक टाइम इंटरवल के बीच में उसको तुम देखोगे यहाँ पे T टाइम का गैप आ जाएगा, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट सुनाई देगी इसको, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको कांस्टेंट सुनाई देगी अगर सोर्स स्टेशनरी है, ठीक है। बिकॉज ये यहां से यहां तक इसको टी टी टाइम लगा, प्लस टी टाइम प्लस ये पल्स को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। दूसरी वाली जो पल्स है वो आफ्टर कितने टाइम बाद सुनाई देगी, T + x - ust अपॉन वी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे T2 - T1, जैसे अब यहाँ पर आप इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर, तो तुम्हें एक टी मिल जाएगा, वन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी T2 - T1 विल बी हाउ मच, T + x - ust अपॉन वी माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा अपने अपना, तो एक्स ये वाला टर्म इससे पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर बचेगा T - US/V टाइम्स टी, विच में गिव्स अस 1 - US/V इनटू। अब देखो ये क्या हो गया, अब उस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है या जो जो टाइम गैप हो रहा है, दिस इज डेल्टा टी, करेक्ट करेक्ट, यस। दो पल्स के बीच का जो 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 गैप है दैट इज बेसिकली T-, या इसको T- ले लो। ये T- क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू पल्स, T- इज व्हाट, टाइम गैप बिटवीन टू पल्सेस, ठीक है। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी का जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच, 1 / जस्ट इनवर्स कर दो इसको ना, ये कितना हो गया V - V, दिस विल बी V अपॉन V - US टाइम्स 1/T। सो ये N- को हम क्या बोलते हैं, N- को बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी, V - US टाइम्स, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, बराबर। ये देखो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, ये टाइम गैप बिटवीन टू पल्सेस, करेक्ट। सो दिस इज, इट गोज लाइक दिस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, सो दैट मीन्स व्हाट, जब तुम्हारा सोर्स जो है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तब जो तुम्हें एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी दैट विल बी वी अपॉन वी माइनस US टाइम्स एन नॉट। और अगर मान लो सोर्स ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, करेक्ट, अपॉन बी प्लस US, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि बस अभी यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, क्योंकि अभी ये इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, तो तुम्हें
में भी क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस यूएसटी करना पड़ेगा, ये टोटल ये एक्स हो गया, यहाँ पे यूएस इंटू टी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो या तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग ऑब्जर्वर मूविंग सोर्स स्टेशनरी देखेंगे। तभी हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स मूविंग, इसके बाद हम देखेंगे सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूविंग। जल्दी से सोर्स इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। सोर्स इज स्टेशनरी बट ऑब्जर्वर इज मूविंग। तब देखो अब क्या होगा, अब अगर मान लो ये सोर्स है यहाँ पर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो मान लो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो देखो इसके बीच में इसने कई सारी पल्सेस इसके बीच में होंगी। जैसे अगर आप देखो तो अभी मान लो एट सम टाइम पे इसने ये पल्स जनरेट करी यहाँ पे, करेक्ट, फिर यहाँ पर एक पल्स आएगी, फिर यहाँ पर एक पल्स आएगी, सब इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, बराबर। ठीक है, ये मान लो अभी ऑब्जर्वर तुम्हारा यहाँ पर था, उसको एक पल्स मिली यहाँ पर और ऑब्जर्वर अभी यहाँ पर था, बराबर है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, अब देखो ये इन पल्सेस के बीच का अगर तुम टाइम गैप देखोगे तो सब पल्सेस के बीच का जो टाइम गैप है वो कैपिटल टी है, ठीक, और इनकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या है, बी है। तो अगर ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहेगा तो इसको हर ये जो पल्स है हर टी, अगर मान लो इसको टी टी टाइम बाद मिली, फिर ये टू टी टाइम बाद मिलेगी, फिर ये थ्री टी टाइम बाद मिलेगी, लाइक दिस, इसको पल्सेस ऐसे मिलती रहेंगी। तो इसको फ्रीक्वेंसी कितनी समझ में आएगी, एन नॉट, एन नॉट इज आवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व, अब तुम यहाँ पर ऐसा समझो ऑब्जर्वर जो है वो इस सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू दिस साउंड वेव। तो अब देखो अब उसको ये वाली साउंड, बिकॉज अभी देखो ये ऑब्जर्वर इस वेलोसिटी की तरफ मूव कर रहा है ना, इस पल्स की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पल्स इसको कितने टाइम में मिलेगी, ये जो पल्स है इस ऑब्जर्वर को कितने टाइम में मिलेगी। इनफैक्ट अगर तुम डिस्टेंस की बात करो तो ये v इंटू टी है, ये भी v इंटू टी है, v इंटू टी, v इंटू टी, इज ऑल्सो v इंटू टी, बराबर है, बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो ये डिस्टेंस की बात हो गई यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पल्स। तो एक्चुअली में तुम देखो इसको भी आप ऐसा समझ के देखो, ये जो पल्स है ये v वेलोसिटी से इधर पे जा रही है, और ये जो ऑब्जर्वर है ये us वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है, दैट ये पल्स इस ऑब्जर्वर को कितने टाइम बाद मिलेगी, कोई बच्चा बता सकता है, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज v इंटू टी, यस। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, करेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का भी हम कंसेप्ट लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू पल्स कितना हो गया, देखो इसको इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस 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 पल्स कितनी हो गई, कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर एक काम करो, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी लगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी हो गई, वेलो v माइनस us, करेक्ट, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज v इनटू t, करेक्ट, सो टाइम इसको कितने टाइम बाद ही मिलेगी ये पल्स, सो इसको ये जो पल्स है कितने t डैश टाइम बाद मिलेगी, व्हिच विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एक लाइन का प्रूफ है, ठीक है। तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट नहीं करने, तो उसके बिना भी कर सकते हैं, बट बताता हूं कैसे करें, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, इसको भी इनवर्स, टी डैश का इनवर्स ले लो तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी,
एन डैश होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी वी माइनस ई एस अपॉन वी टी को मैं यहाँ पे एन नॉट लिख दूंगा. तो अभी जैसे मैंने पहले बताया था एन डैश इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी और एन नॉट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर तुम्हें ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट नहीं करना है तो तुम देखो इसको ऐसे भी सिंपली सोच सकते हो कि जो पल्स इसकी वेलोसिटी भी है, ये ऑब्जर्वर इसकी वेलोसिटी यूएस है. तो मान लो ये जो है ये इतने इतनी दूरी पर मिल जाता है, ये तो ये दोनों ये पल्स इस ऑब्जर्वर को इतनी इतनी दूरी पर मिलती है. तो मान लेते हैं वो टाइम टी डैश टाइम पर मिल रही है ये. ठीक है, तो ऑब्जर्वर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यूएस इंटू टी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बराबर है. तो अब देखो ये जितनी जितनी देर में ये यहां से यहां तक आएगा उतनी देर में ये यहां से यहां तक आएगा. देखो सी पॉइंट इज मान लो ये ऐसा मैं समझो ये x डिस्टेंस पर मिला तो कितना हुआ ये vt माइनस x हो गया. करेक्ट, अब इसको यहां से तक पहुंचने में अगर मान लो t डैश टाइम लगा तो इस पल्स को भी यहां से तक पहुंचने में t डैश टाइम लगेगा. करेक्ट, अब तुम्हें क्या मालूम है x by t डैश शुड बी इक्वल टू vt माइनस x अपॉन वेलोसिटी. तो अलग अलग है ना, नहीं टी टी डैश सेम है ना, टी डैश पहले इक्वेट कर दो. टी डैश इज एक्स अपॉन यू एस इक्वल्स टू वी टी माइनस एक्स अपॉन वी. करेक्ट, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर. तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू पहले यहाँ पे पुट निकाल लो, एक्स अपॉन यू एस इक्वल्स टू. अगर तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड थोड़ा टफ लग रहा है तो तुम इस मेथड से भी कर सकते हो, वही आएगा. इसको जस्ट यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लेना, ठीक है, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, या x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, तुम्हारा t डैश का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गई बात. चलो तो ये तो पॉइंट इज टू समराइज दिस थिंग. अगर मेरा सोर्स स्टेशनरी और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एन डैश v plus u upon v times n naught. ठीक है, और अगर ये सोर्स ऐसे ऑब्जर्वर ऐसे जा रहे तो ये n डैश कितना हो गया v minus u upon v times n. ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे मैंने यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी. क्या गड़बड़ कर दी, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो प्लस हो जाएगी. क्यों, माइनस ऑफ माइनस यूएस, ये माइनस है ना, देखो ये पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस यूएस, सो दैट विल मेक इट प्लस ओवर हियर, प्लस प्लस. ओके, समझ में आ गई बात. तो इसको लिखना है तो जल्दी से लिख लो, इसको भी लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको भी. दो मिनट का बस आपको टाइम दे रहा हूं, तो तुम्हारे पास सारे केसेस एक साथ हो जाएंगे. जल्दी से लिख लो इसको, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट. ओके, अब देखो तो अब अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसा बोलूं, सोर्स जो है सोर्स ऐसे ऐसे मूव हो रहा है और ऑब्जर्वर भी ऐसे मूव हो रहा है. सोर्स की वेलोसिटी वी एस है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी ओ है. तो बताओ आप कैसे क्या करोगे. तो अब देखो यहाँ पे सोर्स वाला जो फॉर्मूला था, देखो यहाँ पे ऊपर व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, वी माइनस वी एस या यू एस. ठीक है, और ऑब्जर्वर वाला फॉर्मूला क्या था, v plus u, u observer ले लो, u observer को u o ले लो, o मतलब हो गया observer. ठीक है,
देखो क्या कर देंगे, v प्लस वी ओ वी माइनस वी एस एन नॉट इज इक्वल टू, मतलब तुम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। मान लो सोर्स ऐसे मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो आता था तो यहाँ पे प्लस हो जाता था, बराबर है, यहाँ पर तो प्लस ही है। तो यहाँ पे एन डैश जो है तुम्हारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी इस वाले केस में कितना हो जाएगा, इस वाले केस में हो जाएगा v कितना हो जाएगा, ये देखो ये वाला तो केस वही है v प्लस v नॉट। मतलब अभी आप तुम ऐसा समझो अगर ये सोर्स इसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा ना v v प्लस v नॉट अपॉन v। अब समझो इसकी वेलोसिटी अगर तुमने जीरो कर दी तो दिस इज सेम एज v प्लस vs टाइम्स। तो ऐसे तुम कितने भी केसेस बना सकते हो, सोर्स ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहा है, सोच सकते हो, जल्दी से बताओ कितना होगा इसका, एनीवन, एन डैश विल बी इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो बी माइनस बी एस नीचे लिखना पड़ेगा और ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, यहाँ पे बी माइनस बी एस लिखना पड़ेगा, ठीक, ऑब्जर्वर। ओके ठीक है बच्चों, आई होप आपको डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी इस पर जल्दी से एक दो प्रॉब्लम करते हैं और आज आपको मैं शीट दे दूंगा। यस बच्चों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितने विसल का, 600 हर्ट्ज बोलो, साइकिल्स पर सेकंड सेम एज हर्ट्ज। V of source कितना है, 30 meter per second, ठीक है, apparent frequency कितनी होगी, कौन सा केस लग गया, source is at rest and observer is stationary, sorry source is moving, observer is stationary, तो यहाँ पे n dash will be V upon V minus Vs times n naught, V कितना है 330, 2 मिनट में सॉल्व करके देने का, yes देखते हैं आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। This will be 330 minus 30 into 600. Now 330 upon 300 divided by 300 into 660 hertz will be the new frequency. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर ही। एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी बताओ। तो भाई मालूम है v is equal to n lambda होता है, बराबर है, यहाँ पे वेवलेंथ में दी गई है 120 सेंटीमीटर की। तो अब सोर्स इज मूविंग रिलेटिव विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 60 सेंटीमीटर टू पर मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो सोर्स इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड towards the observer, ठीक है, तो source stationary है, the source is, ठीक है, तो मतलब source और observer के बीच में there is a relative velocity 60 meter per second की relative velocity source और observer के बीच में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने जब इसका derivation किया था तो यहाँ पे relative velocity का term ही use किया था, this is relative velocity of pulse with respect to observer, तो ये कितना है, सी 60 है, यहाँ पे 60 आ रहा है, मतलब probably है इस direction में move कर रहा होगा observer जो है source से आगे अबे जा रहा होगा, ठीक है, so velocity of pulse with respect to velocity of observer, ठीक है, V minus Vs equal to V of observer, ठीक है, ओके, ठीक है ना, तो यहाँ पर n dash कितना था, यहाँ पे V minus into
n naught, तो ये कितना हो गया, v minus v naught is how much, 60 divided by 330 into, ठीक है, n naught ना. अब देखो अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, वेवलेंथ फाइंड करना, तो v is equal to n lambda होता है, तो lambda is basically n by v, ठीक है, lambda is what, n by v ना, sorry v by n, lambda is v by n, so lambda कितना हो जाएगा, lambda is, sorry lambda is v by n, ठीक है, तो v by n कर दो यहाँ पे, v by n करोगे तो कितना आ जाएगा, तो पहले तो हम 1 by n dash, तो 1 by n dash कितना होगा, 330 by 60 into 1 by n dash n naught, यहाँ पे v का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट करके देखो कितना आता है, तो पहले कितना था वेलोसिटी, ये तो बढ़ रहा है, एक सेकंड, ये शायद बढ़ रहा है, एक सेकंड रुक जाना, 330 तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, ऑप्शन में नहीं है, 660 तो बहुत ज्यादा आ रही है, एक काम करते हैं, मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर ये वाला केस है कि इस थोड़ा लैंग्वेज से कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, अदरवाइज दिस क्वेश्चन ओके, एक सेकंड रुकना, व्हाट वी कैन डू हियर इज, यहाँ पे v नॉट, इसको पूरा 60 मतलब v नॉट को 60 ले लो, क्योंकि फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दिया है ना इसने, ठीक है, तो अगर ये टुवर्ड्स, ये सोर्स हो गया तुम्हारा, ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ही बोला ना, 60 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, पहले बोले व्हेन द सोर्स इज स्टेशनरी, ओके, सोर्स इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये वाला केस है बच्चों, आई एम सॉरी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा गलत मिस इंटरप्रेट कर लिया, सोर्स जो देखो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर इज करेक्ट, तो ये पूरा हो जाएगा अपना गड़बड़, इसको पूरा ही डिलीट कर देते, रुको एक सेकंड ना, ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो n डैश हो जाएगा कितना हो जाएगा, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन नॉट, बराबर, और भी देखो हमें वेवलेंथ फाइंड करना है, वेवलेंथ के लिए आप क्या कर सकते हो, v बाई एन डैश इक्वल्स टू v v माइनस वी एस अपॉन v v बाई एन नॉट, तो ये क्या हो गया, लैम्डा नॉट हो गया, ये हो गया अपनी एपरेंट लैम्डा डैश, करेक्ट, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट, तो v माइनस वी एस कितना हो गया, v माइनस वी एस हो गया 330 माइनस 60 अपॉन, हाँ अभी ठीक लग रहा है, 330 इंटू 120, तो 330 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 98.1 ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, तो 98 विल बी द आंसर, ठीक है, देखो देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी तुम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तुम्हारा वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी चेंज होता है केवल, ठीक है, मतलब जब डॉपलर इफेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द साउंड ये नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पॉइंट, बस ध्यान में रखना, ओके, चलो, आई थिंक विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, आई विल सेंड यू द प्रैक्टिस शीट फॉर दिस, उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद अवर हीट, हीट वाला जो चैप्टर है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो वो स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, चलो, सो आई विल एंड दिस सेशन हियर.